मजेदार संगठन है। कभी कभी मैं पूछता हूँ अपने आप से, भैया ये चलता कैसे। मैं अंदर गया, एक छोटा सा बच्चा था, शायद इतना बड़ा। 21वीं सदी का सऊदी अरेबिया, ह्यूमन रिसोर्सेज का सऊदी अरेबिया, हिंदुस्तान। आप में ये सोच है और मुझ में ये सोच है और बाकी हिंदुस्तान में ये सोच है, कांग्रेस पार्टी को देश से निकाल लो। कांग्रेस पार्टी है क्या? कांग्रेस पार्टी को देश से निकाल लो, ये सोच हमारे दिल में है। Now I'd like to speak a little bit in Hindi. और एक और बात सुन लीजिए, आजकल एक व्यक्ति है जो पूरे हिंदुस्तान में गुजरात की बात करते हैं। गुजरात को अगर किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को अमूल दिया है, गुजरात को दूध दिया है, तो इस तरफ देखिए, इन महिलाओं ने दिया है, गुजरात की महिलाओं ने दिया है। गुजरात में और एक में से दो बच्चे भूखे हैं, मैलनरिश्ड हैं। मैंने सिर्फ एक बात कही, गांधी हमारे हैं, सावरकर आपके। क्या इसमें कोई गलत बात कही मैंने? क्या सावरकर आपके नहीं है क्या? क्या आपने उनको उठा के फेंक दिया? क्या सावरकर को आपने फेंक दिया, उठा के फेंक दिया? जवाब दो। अरे जवाब दीजिए, सावरकर को आपने फेंक दिया क्या? उठा के फेंक दिया, बाहर कर दिया? क्योंकि अगर आपने किया तो बहुत अच्छा किया। इमोशनल बात कहना चाहता हूँ, दिल की बात कहना चाहता हूँ। दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट, 4 o'clock in the morning, I got up and went. Gujarat is bigger than the United States. In fact, India is, you know, is bigger than Europe and the United States put together. बोलने दीजिए मुझे। 40% students, 40% JNU के students, we destroyed their nation, their reputation internationally. छह हैं, ऊपर आ रहे हैं या अभी उनसे मैं मिलूंगा। 6 कैंडिडेट हैं, वो आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं, सबके सब नाम लड़ाई लड़ते हैं। कहाँ हैं उनके नाम? सबके सब नाम लड़ाई लड़ते हैं, कहाँ हैं उनके नाम? अपनी उपलब्धियों, नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर इस चुनाव में अपने विरोधियों का सामना किया, फिर भी वह समर्थन हमें नहीं मिला जिसकी हम आशा कर रहे थे। हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है। यह जनादेश स्पष्ट रूप में हमारे खिलाफ है, हमारी पार्टी के खिलाफ है। हम मतदाताओं के इस फैसले का विनम्रता के साथ आदर करते हैं, लेकिन इसके साथ ही हम यह आशा भी करते हैं कि केंद्र में जो सरकार बनेगी, यह भारतीय समाज की एकता और देश के हितों के साथ समझौता नहीं करेगी। मैं नई सरकार को अभी, अगर आप युवा कार्यकर्ता से बात करें, अगर आप महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता के बात से बात करें, पहली बार वो कह रहे हैं कि भाई मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।
प्रधानमंत्री यहाँ खड़े होते हैं कहते हैं नरेगा जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी। नरेगा, मनरेगा, मनरेगा, महात्मा गांधी योजना। सदन में हरेक को पप्पू प्लीज बैठ जाए प्लीज। मोदी जी ने वायदा किया था कि इकोनॉमी बिल्कुल डाउन जा रही है। पहले पेट्रोल $130 प्रति बैरल हुआ करता था, आज ₹35 प्रति बैरल है। $35 भैया, मैं आरएसएस का नहीं हूं, मैं गलतियां करता हूं। मैं आपका नहीं हूं, मैं सब कुछ जानता नहीं हूं, सब कुछ समझता नहीं हूं। राहुल जी, काले धन के मुद्दे पर स्वामी रामदेव तमाम तरह से घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि 400 लाख करोड़ रुपया बाहर है और आप उत्तर प्रदेश को बदलने की बात कर रहे हैं। क्या वो पैसा आ जाता या उसको ले आने की कोशिश की जाती तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने में देर लगती, या क्यों नहीं आ रहा वो? देखिए, रामदेव जी अपने 4-5 लोगों को काले झंडे लेकर मेरी मीटिंग में भेज रहे हैं, रेगुलरली हर मीटिंग में भेज रहे हैं। वो सोचते हैं कि 4 झंडों के साथ राहुल गांधी भाग जाएगा। राहुल गांधी जनता की आवाज सुनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप झंडे लगाओ, गोली मारो, मैं गांव में जा रहा हूं। मैं महिला से बात कर रहा था, एक दिन गरीब महिला से बात कर रहा था और मैंने उससे वो सवाल पूछा कि भाई गरीब में और अमीर में क्या फर्क होता है। तो उसने मुझे जवाब दिया जो मुझे काफी अच्छा लगा। उसने कहा कि जो गरीब होता है उसके पैरों के नीचे फर्श नहीं होता है, वो गिर जाता है, दलदल सी होती है, हर रोज उसे दलदल में चलना पड़ता है। और जो अमीर लोग होते हैं उनके पैरों के नीचे एक फर्श सा होता है, जो अमीर का बच्चा होता है वो माइक वाले देखिए माइक काम नहीं कर रही आप लोग की चुप वो कॉलेज में जाता है, उसको कम से कम। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा हर साल। पिछले साल 1.3 लाख लोगों को रोजगार मिला हिंदुस्तान में, 1.3 लोगों 130,000 1,30,000 लोगों को रोजगार मिला। ऑनरेबल मेंबर श्री राहुल गांधी जी। स्पीकर मैडम, सॉरी। आपको क्या लगता है, महिलाओं को क्या लगता है, इज्जत की आपकी? भ्रष्टाचार किया, बलात्कार। Even though the BJP has come to power, I don't see a strategy. I don't see a clear direction. I see a lot of talk. I hear talk about clean your country. I mean, are we serious? Clean your country is a strategic national government program. Well, it's not working, is it? I don't see it working. You see it working? Okay. I don't see Swachh Bharat working very well. Huh? What? Well, I think they're agreeing that it's working. You think it's working?
Yes, it's working. Okay. No. Okay, let's ask another question. Do you think Make in India is working? Do you think so? और जैसे मैंने कहा दूध का पानी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सामने माइक लगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ हिंदुस्तान का हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है पूरा का पूरा मैं अंदर बोलूंगा मोदी जी बैठ नहीं पाएंगे आप तो बोलने से रोक रहे हैं क्या और क्या मुझे बोलने से रोक रहे मैं तैयार हूँ एक महीने से तैयार हूँ इफ दे अलाउ मी टू स्पीक इन पार्लियामेंट यू विल सी व्हाट एन अर्थक्वेक इज मेक इन इंडिया का बब्बर शेर तैयार किया काले रंग का बब्बर शेर उसके अंदर देखो तो घड़ी जैसा चलता है वो जहां देखो इंटरनेट में देखो बब्बर शेर टीवी में देखो बब्बर शेर मोदी जी का भाषण सुनो बब्बर शेर स्टेज स्टेज जल जाता है बब्बर शेर आई आस्क यू अ काउंटर क्वेश्चन How are you going to help them? As a citizen, if I can give my 2 hours, 3 hours. No, not as a citizen, as a young Indian. How are you going to help them? Actually, please answer my question first, then I will answer you. Try. How would you help them? Actually, my question, if I had any answer, then I would have not asked you this question. But give it a try. Give it a try. Let me think it needs. Actually, I thought a lot, but I thought that I don't have answer, so I should ask Mr. Gandhi. कल मैं अरुण जेटली जी का भाषण सुन रहा था और हम यहां बैठे हुए थे और बीच में मैं ऐसे हिला परसों गलती कर दी सही बात परसों मैं भाषण सुन रहा था और मैं ऐसे हिला मैंने आंख बंद करी मैं सोच रहा था चिदंबरम जी हैं अच्छी बात बोली आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप थोड़ा सा मार दीजिए एक बार मार दीजिए क्यों कष्ट हो रहा है आपको अगर अच्छी लगी मार दीजिए